रेडी सर। चलो रोल कैमरा। रोलिंग। रोलिंग है जी। सर कैसा था एक्सपीरियंस लश्तम पश्तम का आपका? सर ये दानव साहब के साथ काम करके बहुत मजा आया। सॉरी मेरा मतलब है कहने का मानव साहब से के साथ, बड़े हसमुख बड़े प्यारे नौजवान और बड़ी मेरी मीठी यादें हैं इस फिल्म के बारे में। मेरा रोल बहुत उमदा है और बहुत रिलैक्स ढंग से काम हुआ, कोई अड़चने नहीं आई, स्मूथ। और डबिंग की है मैंने, बस इंतज़ार है कि पूरी फिल्म देखूं और मैं अपनी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ। माफ़ कीजिएगा उसकी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन अब ऐसा सच है तो मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल सर। हाँ तो कुछ अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताएंगे सर आप? सर मैंने जैसे कहा कि बहुत ही उम्दा किरदार है, पाकिस्तानी ड्राइवर है, बुजुर्ग है और एक हिंदुस्तानी भटकता हुआ आ जाता है। इस्लामाबाद जाना है उसको और इस्लामाबाद जल रहा है, बम फट रहे हैं, तो वो तो मना कर देता है, सोया हुआ है टैक्सी में, टैक्सी वाला है और इतना डेस्परेट है वो कि बहुत ज़रूरी काम है ये। वो तो आँख खोलते हैं, देखते हैं नौजवान इधर का लग नहीं रहा वैसे, तो समझ गए कि ये हिंदुस्तानी है। उसके बावजूद वो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं कि भाई, और रिस्क है बहुत बड़ा उस तरफ जाना, रास्ते में रुकते हैं, उसे खाना वगैरह खिलवाते हैं, लेकिन उसको शक होने लगता है कि ये कहीं अजीब आदमी कुछ हरकत ना करे एटसेट्रा एटसेट्रा। बट इवेंचुअली ही इज सो ग्रेटफुल टू दैट मैन, ही ओपन्स हिज आईज, मतलब एक रिश्तों को लेके भी, और बड़े जज्बाती उनका मिलन और रुखसत दोनों। ब्यूटीफुली सर। सर इस फिल्म से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं अपने कैरेक्टर से, किरदार से? मैं अपने किरदार से तो ये मैसेज, मेरा किरदार ये मैसेज दे रहा है जिसे आपने मतलब मानव ने लिखा है और उसे फिल्माया है कि भाई ये जो नफरतें हैं ये खत्म होनी चाहिए, इसकी कोई जड़ नहीं है, ज़बरदस्ती ये जड़ लगाई गई है और हम सब इंसान हैं और हम सब सदियों से इकट्ठे रहे हैं। मुग़ल सल्तनत यहाँ ऑलमोस्ट 600 साल यहाँ रही है और आज़ादी के पहले तक हम इकट्ठे ही थे, हमने एक दूसरे की तहजीब से सीखा है और एक दूसरे के मज़हब की इज्जत की है। हाँ नाइतफाकियाँ कुछ हो जाती हैं, लेकिन वो तो जैसा उसमें डायलॉग्स में आता है कि वो तो घर में भी हो जाती है, हिंदू भाई में भी हो जाती है, रिश्तेदारों में हो जाती है, लेकिन ये जो और दूसरे एक लाइन वो कहता है कि मालूम है मेरे अब्बा आपके लखनऊ में दफन है और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं जाकर सजदे में बैठूं, तो ये तो सच्चाई है यार। मैं पाकिस्तान गया हूँ 6 बार, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया भी हमारे अब्बा पटना में दफन है, हमारे लखनऊ में दफन है, और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी दुनिया की कि इतने कम वक्फे में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और जब जुदा भी हुए लोग तो उन्होंने ये सोचा था कभी ठीक है जुदा हो जाते हैं तो एक भाई इधर रहेगा एक उधर चला गया, क्योंकि इधर वाले भाई के पास शायद बहुत सारी जमीन थी या नो बंगले थे या जो भी है, तो कि भाई मैं क्यों जाऊं जबकि मैं यहाँ खुश हूँ, मेरे पड़ोसी अच्छे हैं, ये है वो भी है। और भाइयों ने सोचा कि ठीक है यार मैं लाहौर में हूँ, पापा पटना में हैं, तो क्या हुआ फ्लाइट पकड़ी दिल्ली आए, दिल्ली से पटना चले। किसी ने ये नहीं सोचा था एक दिन ऐसा आएगा कि हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पाएंगे। क्या डीप बात बोली। हाँ तो ये बंटवारा जो है ये सिर्फ जमीन और दौलत का नहीं था, ये जज्बातों का बंटवारा था और ये रिश्तों का बंटवारा था। तो बड़ी तकलीफ दे बात है
और बस मैं दुआ करता हूँ कि ये फिल्म अच्छे से रिलीज हो, लोग इसे ज्यादा से ज्यादा देखें, ताकि हमें थोड़ी इससे नसीहत मिले। और लोगों को बदकिस्मती से बार बार याद दिलाना पड़ता है कि भाई देखो, लेट्स लिव एज ब्रदर्स, क्योंकि हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है पार्टीशन, बहुत बड़ी दी है, माशाल्लाह, ब्यूटीफुली सेड सर। सर एक छोटे से सवाल दिख दो और, एक नई टीम के साथ काम करना कैसा लगा आपको सर? बिल्कुल नई टीम थी, नया डायरेक्टर, मुझे तो मालूम नहीं था ये नई टीम, मुझे पता होता तो मैं करता ही नहीं। Well said, sir. हाँ, मुझे नहीं लगा कि नई टीम है ये। पढ़ लिख के आए वो, सीख सिखा के आए, ऐसे थोड़ी उठा के कैमरा पकड़ा और चल दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कोई एडवाइस नए फिल्म मेकर्स के लिए, क्या कर सकते हैं? इस इंडस्ट्री में कट करना बहुत मुश्किल है, तो एनी एडवाइस? देखिए, छोटी फिल्म के लिए दिक्कतें ज्यादा हैं, क्योंकि आजकल जो वक्त है वो ये है कि छोटी फिल्म के लिए जिस तरह की पब्लिसिटी का उसूल बन गया है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मेरी लोगों से गुजारिश है, अगर वो इसको देख रहे होंगे या मीडिया में कहीं भी आएगा, कि भाई ये छोटी फिल्में भी अगर अखबार में पढ़ लेते हैं तो देख लें, क्योंकि इस तरह की फिल्में ना तो 3 महीने पहले से वो शोर मचाना शुरू कर सकती हैं, लक्ष्म पक्ष मारा है जी, ना बड़े बड़े होर्डिंग लगा सकते हैं, ना टीवी पे बहुत सारी एड्स दे सकते हैं। जो कि अब चलन ये है कि जो बड़ी फिल्में हैं, जो बड़े स्टार्स हैं उनकी बड़ी फिल्में हैं, एक तो ये कि 5,000-6,000 थिएटर्स में रिलीज करते हैं एक साथ, क्योंकि देखिए ऑल सेट एंड डन कितनी भी अच्छी फिल्म बनी हो, थोड़ी इनसिक्योरिटी तो रहती है हर प्रोड्यूसर को कि यार कहीं ऐसा ना हो, है ना। तो क्योंकि इतनी पब्लिसिटी हो चुकी है उसी, इतना शोर मच चुका है, तो पहले 3-4 दिन तो हाउसफुल जाएगा ही जाएगा, तो उसके बाद जो आएगा वो तो मलाई है, माल तो आ गया है, वो तो एक्स्ट्रा है। सही बात है, है ना, अगर वो फिल्म चल गई है। और अगर वो फिल्म ना भी पसंद आई लोगों को, तो कम से कम जो खर्चा किया वो पैसा आ जाता है, जो कि छोटी फिल्म के लिए बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है, तो छोटी फिल्म को थोड़ा सोचना होगा कि किस तरह से वो लोगों तक ये पहुंचाए कि भाई प्लीज ये फिल्म देखिए, अच्छी फिल्म है। और लेकिन ये भी मैं कहूंगा कि भाई अच्छी फिल्में बनाना बंद मत करिएगा। ऐसा नहीं कि बाकी लोग स्टार भी बनाते हैं, लेकिन ये है कि आपकी जो फिल्म है वो जादू नहीं दिखा रही, वो सच्चाई को बयान करती है, सच्चाई बयान। हाँ, और जादू से मेरा मतलब है कि भाई किस जिस तरह की टेकिंग, या आप एक आदमी 10 लोगों को मार रहा है, वो कैमरा पे तो मार सकता है, सड़क पे मार के दिखाए तो जाने, तो वो हुआ हीरोइज्म से ही जी, है ना? सही बात है। हाँ, लेकिन लोगों को मजा आता है, मजा आता है। चलिए सर, हम उम्मीद करेंगे कि इस फिल्म से भी मजा आए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं मेरी। थैंक यू वेरी मच सर, यू हैव बीन एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पर्सन टू वर्क विद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप कैमरा पे कहिएगा, मेरे सामने बैठ के, मेरे जाने मेरे जाने के बाद साथ में दूंगा। सर एक चीज खाली प्लीज बोलिए, लश्तम पश्तम, गाइस गो वॉच इट। लश्तम पश्तम, गाइस गो वॉच इट। एक मेरे साथ, मैं सर के साथ बैठूंगा, सर हम ये साथ में बोल रहे हैं।